यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है। जय श्री राम। सो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं पालम रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से हमें रेवाड़ी की ट्रेन मिलेगी। पालम रेलवे स्टेशन पहुँच के हमने थोड़ा सा वेट किया ट्रेन का, लेकिन ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, 2:27 का टाइम था, 2:30 पे आई है ट्रेन हमारी। तो चलो फिर मिलते हैं रेवाड़ी स्टेशन पर। तो मैं आपको बताना भूल गया गाइज कि हमारे मौसी के बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ खाटू श्याम। तो फिलहाल 2 घंटे का सफर तय करके हमारी ट्रेन पहुँच गई रेवाड़ी जंक्शन पर। इधर को जाना देखो हम आपको बेटे कितनी लंबी लंबी ट्रेन है। इनसे मिली है, ये मेरी मौसी का लड़का लक्की है। तो गाइज हम रिंगस की ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो ये 6 बजे आके रेवाड़ी खड़ी हो गई, 7 बजे इसका चलने का टाइमिंग है और रात को 10 बजे हमें रिंगस उतारेगी। ट्रेन में काफी भीड़ है और रात के बच्चों के 9:30 और हम पहुंचे कचेरा। लो बाबा की नगरी में आप सभी का स्वागत है गाइज। हम पहुंच चुके हैं रिंगस जंक्शन पर रात को 10:15 बजे। गाइज हमारी ट्रेन बहुत लेट पहुंची है रिंगस जंक्शन पर। चले तो ये है रिंगस का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ से हमें खाटू के लिए जिप्सी या ऑटो मिल जाएगा केवल 50 रुपए में। ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी। भाई रिंगस रेलवे स्टेशन से हमने खाटू तोरण द्वार तक हमने ऑटो किया है। यहाँ पर आपको बाबा के निशानों की बहुत सारी दुकानें दिखेगी। लो भाई आ गया बाबा का तोरण द्वार, आपको वीडियो में दिख रहा होगा बाबा का तोरण द्वार। तोरण द्वार से हमने निशान उठाया बाबा का मंदिर तक। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं, ये है कुछ पागल जने, ये सबसे बड़ा पागल है और वो है आपके पीछे ब्लॉगर, आपके यूट्यूबर किस नाम खास पर। तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब किए हमारे चैनल बोल श्याम बाबा की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। यहाँ आपको बाबा के प्रसादों की दुकानें भी मिलेगी। लो आ गए बाबा के मंदिर में। यहाँ पर आपको मंदिर की तरफ से निशुल्क पानी भी मिलेगा। अरे भाई भाई पकड़ा।
तो चलो बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए गाइज। नेक्स्ट पार्ट में हम सालासर चलेंगे, तो इस बात पे लाइक कर दो वीडियो को।